हाय हाय 2023 के खत्म होने के 80 साल बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, जाता क्या है, क्योंकि वैसे भी हर साल की तरह वही 15.5 लोग ही देखेंगे इस वीडियो को भी, तो बना दे रहा हूँ उन लोगों के लिए टॉप 10 एल्बम्स ऑफ 2023 विच बाय माई ओवरव्यू वॉज अ वीकर म्यूजिकल ईयर देन द लास्ट टू द लास्ट ईयर 2022। रीमेक्स कम थे 2023 में 2022 के मुकाबले, बट स्टिल आई वुड से दैट म्यूजिकल इट वाज अ वीकर ईयर। आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ टॉप 10 एल्बम्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द डाटा गिवन ऑन विकिपीडिया। तो विकिपीडिया को ब्लेम करना अगर मैं किसी एल्बम को मिस कर दूं, क्योंकि उसमें ही नहीं लिखा रहा होगा विकिपीडिया वालों ने, नहीं तो भैया हम तो विद्वान हैं, हम तो कैसे छोड़ देते हैं अच्छी एल्बम जी। ऑल्सो वही हर साल वाला डिस्क्लेमर आज भी थोप देता हूँ आपके मुंह पे कि ये मेरे टेस्ट पे आधारित लिस्ट है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने कुछ ऑनरेबल मेंशंस के साथ, जो हर साल मैं दिल पे पत्थर रख के निकाला करता था, लेकिन इस साल मुझे उनको ऑनरेबल लिस्ट में रखने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। और इस साल की टॉप 10 की लिस्ट में मैंने एक नई कैटेगरी रखी है, जो कि है बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी, द सॉन्ग ऑफ द ईयर, जिसमें 5 नॉमिनीज मैंने सेलेक्ट किए हैं 2023 में जो बहुत ही बढ़िया गाने लगे मुझे, मैंने उनको सेलेक्ट किया, और उनमें से एक गाना मैं सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब देना चाहूंगा। यप, लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। तो नंबर 10 पे आती है हमारी गुलमोहर एल्बम, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ड्रिवन एल्बम, जिसके अंदर सारी ही कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें 4 गाने हैं ओरिजिनल, क्वांटिटी इज वेरी लेस, दैट इज व्हाई दिस इज ऑन नंबर 10, अदरवाइज बहुत ऊपर होती। दिलकश एक गाना है जो कि बहुत ही सुंदर गजल है और बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है इस गाने में। दिलकश सजा ये दी, लिरिक्स बहुत सुंदर लिखे हैं इसमें शैली ने, और सपनों के पाखी जो कि कविता सेठ जी ने बहुत अच्छी तरीके से गाया है, नींदों में पाखी पलकों वो घर जो कि उत्सवी झा ने गाया है, वो कमरों पे एंड होरी रे, होली सॉन्ग है ये, एक कैची होली सॉन्ग है, बस इसमें एनर्जी की थोड़ी सी कमी लगी मुझे, जो होली वाली एनर्जी होनी चाहिए थी वो नहीं लगी। And that is the album Gulmohar. Moving on to number 9, which is Khufiya album given by Vishal Bhardwaj. It is a very creative album overall, and isme 6 original gaane hain. Dil Dushman, which is sung by Arijit Singh. Dushman ja hai. This is probably the song of the album, aur is gaane ka ek female version bhi hai jo ki Sindhi Chauhan ji ne gaya hai. Mat Aana naam ka ek gaana Rekha Bhardwaj ji ne gaya hai, aur it's a very nice sad song. ना होश चले एक गाना है अरिजीत सिंह जी ने गाया है, तू जान मेरी, लेकिन इसका एक फिल्म वर्जन है जो कि विशाल भारद्वाज जी ने गाया है, तू जान मेरी, बुझी बुझी नाम का एक गाना है राहुल राम और ज्योति नूरान जी ने गाया है, एंड दिस सॉन्ग इज अ वेरी पावरफुल सॉन्ग। तन्हाई नाम का एक गाना है किरण निवी जी ने गाया है विशाल भारद्वाज जी के साथ, इसका एक सुनिधि चौहान जी का वर्जन है जो कि थोड़ा सा स्लोअर है, एंड दैट साउंड्स गुड टू। मन ना रंगावे राहुल राम जी का गाना है, एंड दिस इज अनदर गुड एनर्जेटिक वाइब वाला गाना। That was Khufiya, and now going to the number 8, and that is Blind given by Shore Police, जो कि Clinton Serejo और Bianca Gomez जी की collaboration है। This whole album has a very powerful arrangement, but only 3 original songs are there. Khoya Tu Kahan sung by Vishal Dadlani, and what a song man! Song of the album for me. एंड इसका एक अनप्लग्ड वर्जन है जो कि क्लिंटन और बियांका जी ने गाया है, जिसके लिरिक्स थोड़े से इंग्लिश एंग्लिसाइज्ड हैं और कॉम्पोजिशन इज द सेम। मुश्किल एक गाना है निकिता गांधी जी ने गाया है, बैक टू देन विच इज इंग्लिश सॉन्ग, बियांका रिकार्डो AKA चॉकलेट बार जी ने गाया है ये गाना, चॉकलेट बार गाना गा रही है।
Also, a beautiful little album and number 7 पे आती है हमारी तू झूठी मैं मक्कार given by प्रीतम. A very catchy album with a little bit of versatility in it. 6 original गाने हैं इस album में. तेरे प्यार में अरिजीत सिंह निकिता गांधी जी ने गाया है a nice catchy song. प्यार होता कई बार है अरिजीत और चरण ने गाया है and probably the song of the album for me. Show me the thumka एक party song है सुनिधि चौहान शाश्वत सिंह जी ने गाया है. ओ बेदर्दिया संग बाय अरिजीत सिंह विच इज अ सैड एंथम ऑफ द ईयर आई वुड से. जादुई नाम का एक गाना जो भी नौटियाल जी ने गाया है विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग ओवरऑल. मैंने पी रखी है श्रेया घोषाल और दिव्या कुमार जी ने गाया है. तो ये थी हमारी 7वीं एल्बम. अब आते हैं नंबर 6 पे जो कि है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी गिवन बाय अगेन प्रीतम. रॉकी रानी की प्रेम कहानी इज अ वेरी म्यूजिकल एल्बम आई वुड से. 7 ओरिजिनल गाने हैं इस एल्बम में. क्वांटिटी की वजह से थोड़ी सी ऊपर है. तुम क्या मिले संग बाय अरिजीत एंड श्रेया घोषाल. श्रेया घोषाल जी का एक वर्जन है विच आई फाउंड अ बेटर वर्जन. एक गाना है व्हाट झुमका संग बाय अरिजीत जॉनिता गांधी रणवीर सिंह विच इज अ रीमेक ऑफ द ओल्ड सॉन्ग झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में. व्हाट झुमका वे कमलिया संग बाय अरिजीत सिंह शदा फरीदी श्रेया घोषाल. बहुत ही सुंदर सैड सॉन्ग है ओवरऑल. वे कमलिया एंड इसके कुछ वर्जन है सूफी वर्जन जो कि शदाब और अल्तमश फरीदी और आशीष कौर जी ने गाया है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्जन. और एक रिडक्स वर्जन है जो कि तुषार जोशी जी ने गाया है. बाकी सेम अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ सेम है बस सिंगर इज डिफरेंट. ढिंढोरा बाजे रे संग बाय दर्शन रावल एंड भूमि त्रिवेदी. रोल एंड दे संग बाय सोनू निगम एंड शिल्पा राव. ब्यूटीफुली कंपोज सॉन्ग ओवरऑल. कुड़माई सचे टंडन जी ने गाया है. इसका एक फिल्म वर्जन जो कि शाहिद माल्या जी ने गाया है एंड इसका अरेंजमेंट आई वुड से इज बेटर. तेरी कुड़माई के दिन ना गए. हार्ट थ्रॉब संग बाय देव नेगी विच इज द सॉन्ग ऑफ द एल्बम फॉर मी. सच्चा हार्ट थ्रॉब जी. और एक सारे गामा कारवा मेडली है इसमें जो कि मैं कंसीडर नहीं करूंगा बिकॉज इट्स मेडली बट बहुत अच्छी बनाई है वो मेडली. नंबर 5 पे अगर हम आए तो आती है हमारी शहजादा एल्बम अगेन गेस हू प्रीतम. कैची एल्बम बहुत कैची एल्बम एंड दिस एल्बम हैज लेसर सॉन्ग्स देन द बिलो काउंटरपार्ट्स ऑफ दिस एल्बम. 4 ओरिजिनल गाने हैं इस एल्बम में लेकिन क्या गाने हैं भाई क्या गाने हैं. मुंडा सोना हूं मैं जो कि दिलजीत और निकिता गांधी जी ने गाया है. ओ मुंडा सोना हूं मैं कुड़ी तू करोड़ दी. छेड़खानी है संग बाय अरिजीत सिंह और निकिता गांधी. मेरे सवाल का संग बाय शाश्वत सिंह शालमली खोलगड़े. और इसका एक किंग्स वर्जन है जो कि अच्छा है. होश होश है कैरेक्टर ढीला 2.0 विच इज आई वुड से अ डिसेंट रीमेक. इस गाने की वजह से ये थोड़ी सी नीचे है वरना ये बहुत ऊपर होने वाली थी एल्बम. शहजादा का टाइटल सॉन्ग है इस गाने में जो कि सोनू निगम जी ने गाया है एंड बॉय व्हाट अ सॉन्ग दिस इज. आई वुड से दिस इज द सॉन्ग ऑफ द एल्बम फॉर मी. मैं बंदा सीधा ना सादा पर अपना. अब हम आते हैं नंबर 4 पे जो कि है आदि पुरुष गिवन बाय अजय अतुल एंड साचेत परंपरा. अरेंजमेंट्स के बदौलत ये एल्बम यहाँ तक पहुंच पाई है एंड इफ दिस एल्बम हैड मोर सॉन्ग्स दिस वुड हैव डेफिनेटली बीन द नंबर 1 एल्बम फॉर मी. 4 ओरिजिनल गाने हैं इस एल्बम में. जय श्री राम. राम सिया राम नाम का एक गाना है साचेत परंपरा ने प्रोड्यूस और गाया है. आई वुड से दिस इज अ रीमेक. राम सिया राम के बाद आता है शिवोहम जो कि अजय गोगाबले जी ने गाया है. इट्स शिवोहम को अडेप्ट किया है बॉलीवुड वर्जन में. तू है शीतल धारा संग बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल जी. हुप्पा हुईया संग बाय सुखविंदर सिंह जी एंड अनदर फन सॉन्ग आई वुड से. एंड टॉप 3 पे आ चुके हैं अब हम. आई थिंक यू नो कि कौन सी होने वाली है टॉप 3 पे. सफेद नहीं पता था ना तुम लोगों को. हाँ तो अब जान लो. इट्स अ वेरी रिच इट्स अ फुल ऑफ
क्लासिकल म्यूजिक एल्बम. मैंने एक एल्बम निकाली है टॉप 10 में से जो कि है द आर्चीज. दिस एल्बम कुडंट मेक इट टू द टॉप 10 बिकॉज ऑफ द मोनोटोनस साउंड, क्योंकि हर एक गाना ही उसी साउंड पे बेस्ड है, विच इज द सेम केस इन सफेद. बट ये टॉप 10 में, बल्कि टॉप 3 में क्यों आ पाई, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक पे बेस्ड है. क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी डिटेल्ड, कई कैटेगरीज मैंने सुनी, ठुमरी है, गजल है, दोज आर अरेंज्ड वेरी वेल टू. जैसे कि एक गाना है इसमें भुला देना नाम का, बीते सारी यादें यूं ही भूल, एंड रोना आया नाम का एक गाना है जो कि महबूब जी ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, एंड सोनू निगम जी ने गाया है. रंगरसिया नाम का एक गाना है, सुवर्ण तिवारी जी ने गाया है, एंड इट्स अ ठुमरी विद अ प्रॉपर ठुमरी अरेंजमेंट, जो कि गंगूबाई की एल्बम की याद दिला रहा था मुझे. इस गाने का एक फिल्म वर्जन जो कि शिल्पा राव जी ने गाया है विद द सेम एग्जैक्ट अरेंजमेंट एंड कॉम्पोजिशन. एंड गीला करना नाम का एक गाना है जो कि जाजिम शर्मा जी ने गाया है, एंड आई वुड से दिस इज द सॉन्ग ऑफ द एल्बम. पिया गए परदेश नाम का एक गाना है, शैल हाडा जी ने कंपोज और गाया है, और एम तुराज जी ने लिखा है, फुल संजय लीला भंसाली वाइब्स. पिया गए परदेश. सो दिस वाज द नंबर 3 एल्बम फॉर मी. एंड नंबर 2 पे हम आते हैं जो कि है जानवर, एनिमल. गुच्छे वर लोगों ने बनाई है ये एल्बम, और वेरी गुड एल्बम, एंड दिस इज ऑन द नंबर 2 बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटिलिटी. हर एक गाना अलग अलग टाइप का गाना है. अर्जन वैली से स्टार्ट करते हैं, फोक सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, एंड इट प्रोडक्शन ऑफ दिस सॉन्ग इज एक्सीलेंट. कुआ मैं नाम का एक गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, जैमिट ने बनाया है, राघव चंद्र ने गाया है. सतरंगा नाम का एक बहुत सुंदर गाना है, बदरंग में सतरंगा है. पापा मेरी जान नाम का एक गाना है, विच इज अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन. ना इससे बड़ी मेरी कोई. पहले भी मैं नाम का एक गाना है, विच इज द सॉन्ग ऑफ द एल्बम फॉर मी, एंड दिस इज द ओनली सॉन्ग विच आई रियली रियली लव्ड. पहले भी मैं. कश्मीर नाम का एक गाना है, मनन भारद्वाज जी की कॉम्पोजिशन है, श्रेया घोषाल जी ने गाया है, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है. कश्मीर जैसी जगह, सारी दुनिया जला देंगे बी प्राग जी ने परफॉर्म किया है, विच इज बेस्ड ऑन अ ओल्ड फोक ट्यून. बड़ा मौत से पाला. हैवान नाम का एक गाना है, आशिम केमसन जी ने गाया है, गुड सॉन्ग. जिन्नू पेंदी भूत दी डांगे ओनू ना रहंदा कोई. और बाकी जो जमाल कद्दू शिमला मिर्च वाले गाने थे वो सब साउंड ट्रैक में नहीं आते हैं, वो बीजीएम में आते हैं, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया वो एल्बम में. ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 1 यानी कि एल्बम ऑफ द ईयर 2023, विच इज ऑफ कोर्स डंकी. अ वेरी वेल अरेंज्ड, अ वेरी वेल कंपोज्ड, अ वेरी वेरी वेल रिटन, वर्सेटाइल, ब्यूटीफुल एल्बम आई वुड से. हर एक गाना ओरिजिनल गाना है, 6 ओरिजिनल सॉन्ग्स है, कोई रीमेक कुछ नहीं. फ्रॉम लुटपुट गया बाय अरिजीत सिंह विद वेरी क्यूट लिरिक्स. लुटपुट गया निकले थे कभी हम घर से, सोनू निगम जी ने गाया है, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है. बड़ी दूर से आए हैं. ओ माही, विच इज ऑल्स माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ द एल्बम. बंदा नाम का एक गाना है, दिलजीत दोसांझ जी ने गाया है. चल वे वतना, विच वॉज ए सॉन्ग ऑफ द एल्बम फॉर मी, जावेद अली जी ने गाया है. सुन वे वतना. मैं तेरा रास्ता देखूंगा, संग बाय विशाल मिश्रा एंड श्रेया घोषाल, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन अगेन. मैं तेरा रास्ता देखूंगा. और इसका एक फिल्म वर्जन जो कि शादाब और अल्तमश फरीदी जी ने गाया है, दोनों भाइयों ने, अ लिटिल ऑल्टरेशन इन अरेंजमेंट, बाकी सब सेम है. मैं तेरा रास्ता देखूंगा. और एक वाहेगुरु नाम का प्रेयर सॉन्ग है जो कि शेखर राव जियानी जी ने कंपोज किया, अजय बिजली जी ने गाया है. गुरु प्रसाद. दैट्स इट, एल्बम ऑफ द ईयर इज डंकी, गिवन बाय प्रीतम. प्रीतम जी को जाता है अवार्ड, और यही है हमारी टॉप 10 की लिस्ट. बट आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू दीज टू वेरी वेरी ब्रिलियंट मास्टरपीस एल्बम्स. और मेरे को बहुत दुख हुआ कि ये वेब सीरीज एल्बम्स थी, वरना मेरे हिसाब से तो ये नंबर 1 एल्बम्स होनी ही चाहिए थी. एक है जुबली अमित त्रिवेदी जी के द्वारा, वो तेरे मेरे इश्क का. और एक है चार्ली चोपड़ा विशाल भारद्वाज जी के द्वारा. दोनों में ही वामिका गाबी जी है. जी हाँ, तो ये तो हो गई एल्बम्स की बात. अब आते हैं इंडिविजुअल सॉन्ग से, पहले थोड़ा सा प्रमोशन मार लेता हूँ. सिंगिंग कोर्स जो चल रहा था मेरा, वो अभी भी डिस्काउंट पे आने वाला है अगेन 26 जनवरी के लिए, तो कीप योर आइज ओपन फॉर दैट. मैं अपडेट देता रहूँगा. और इट्स गोइंग सो वेल सो फार, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है इस कोर्स को. आई एम
रियली हैप्पी कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को हेल्प हुई इस कोर्स से, जो कि कुछ बातें होती हैं जो लोग नहीं ध्यान देते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है इस कोर्स में, और आप लोगों ने कहा है कि वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं आपके लिए, तो दैट्स अ वेरी ह्यूज बूस्ट फॉर मी। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और एक लाइव सेशन जो कि डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं रखूंगा, जल्दी रखने वाला हूं, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। और या अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं कोर्स लिया है या फिर चाहते हो सीखना तो ले लो भाई, सस्ता है, हेजिटेट मत करो। अब तो डिस्काउंट भी आने वाला है 26 जनवरी का, तो या लुक आउट फॉर इट। अब आते हैं सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉमिनीज पे, जो कि हमारा पहला नॉमिनी आता है भैया पहले भी मैं एनिमल मूवी से। सेकंड नॉमिनी इज तेरे वास्ते फ्रॉम जरा हटके जरा बचके। थर्ड नॉमिनी इज वो तेरे मेरे इश्क का फ्रॉम जुगली। वो तेरे मेरे इश्क का। फोर्थ नॉमिनी इज चल तेरे इश्क में फ्रॉम गदर 2। फिर से एक बार उजड़ जा। एंड द लास्ट नॉमिनी ऑफ दिस लिस्ट इज दिल दुश्मन फ्रॉम खुफिया, अरिजीत सिंह जी के द्वारा गाया गया गाना। दुश्मन जा है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आउट ऑफ ऑल दीज 5 सॉन्ग्स, जो मुझे लगा कि बेहतरीन गाना था, बहुत ही ओरिजिनल था। आप लोगों के पास अब भी टाइम है, गेस कर लो, मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ा देता हूँ। चलो बहुत हो गया, बता देता हूँ। चल तेरे इश्क में संग बाय नीति मोहन एंड कंपोज बाय मिथुन चक्रवर्ती, सॉरी मिथुन शर्मा। What a song, मैं क्या कहूँ यार इस गाने के बारे में। It's the most original song I've heard and most catchy song I've heard and most well-made song I've heard in 2023. मेरे हिसाब से यही है song of the year। और नीति मोहन जी को मैं एक बार shout out देना चाहूँगा, क्या गाया है यार उन्होंने गाना, क्या गाया है। सिर्फ उनकी आवाज ने इस song को इतना elevate कर दिया ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया गाया भाई। This was the Bollywood musical rap from my side। बताओ भाई अच्छा लगा हो, वरना आप अपनी लिस्ट बताओ, क्या थे आपके टॉप 10 एंड विच वॉज द सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर यू, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। कहां से यूज किया है, क्या बनाने की कोशिश करके, मतलब क्यों इंस्टाग्राम पे खूब भेजा आप लोगों ने मेरे को, धन्यवाद।